हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएम विद्यापीठ में। हम लोग पिछले क्लास में निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 3.2 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। इसमें हम लोग चैप्टर 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देखने से पहले सॉल्यूशन को एक बार आप लोग इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का जरूर देख लेंगे, क्योंकि हम पहला जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा इंट्रोडक्शन जिसमें कराए रहेंगे उसी के आधार पर हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताएंगे। तो जो इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखेंगे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसको थोड़ा सा समस्या हो सकता है वीडियो में, तो आप पहले एक बार इंट्रोडक्शन जाके देख लें, क्योंकि आपको हम क्या आपको यूट्यूब पे हर चैप्टर का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें इंट्रोडक्शन के नाम से इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का, फिर पार्ट वाइज 3.1 अलग, 3.2 सेकेंड पार्ट, 3.3 थर्ड पार्ट, ऐसे करके आपको पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएगा। और उसमें एक अलग से ऐड रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसको देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको बिना देखे आप एक्सरसाइज को नहीं समझ सकते हैं अच्छे से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, कुछ कुछ बिंदु दिया गया है, हमको डिनोट करके बताना कि वो बिंदु कहां पे स्थित होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा, कुछ एक साथ लिखा हुआ है यहां, -2.4, ये हमारा कहां पे स्थित होगा। देखिए, आप लोग को बताया गया था कि x अक्ष और y अक्ष कितने में बांट देता है, 4 चतुर्थांश में। इधर जाते थे प्लस, ऊपर जाते थे प्लस, तो यहां का कोई भी जो पहला चतुर्थांश में हो, इसका निर्देशांक x भी प्लस और y भी प्लस में रहता था। जो सेकेंड चतुर्थांश था, इसमें हमारा x रहता था नेगेटिव और y रहता था पॉजिटिव, देख चुके थे। तीसरे में क्या था, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, यानी दोनों हमारा क्या होता था, नेगेटिव। और फोर्थ चतुर्थांश जो था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा, इसमें क्या होता था, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी प्लस कॉमा माइनस। तो आप इसको देखिए, -2.4 यानी x माइनस y प्लस में कहां पे चल गया, ये सेकंड चतुर्थांश। तो ये हमारा कहां पे स्थित हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगला हमको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3.-1, सेकेंड क्वेश्चन, इस मतलब एक ही नंबर में है ये, पॉइंट वाइज एक कॉमा करके दिया हुआ है 3.-1। ये कहा हो गया फर्स्ट में प्लस, एक्स प्लस वाई माइनस, प्लस माइनस कहां पे चल गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। अब अगला दिया है एक -1.0, तो -1.0 हम क्या बोले थे कि x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0, यानी x में तो चला है लेकिन y में कहीं नहीं, तो ये कहां पर स्थित होगा हमारा, x अक्ष पर, क्योंकि x तो है कहीं लेकिन y में कहीं नहीं जाना है, x में आना है -1 यूनिट लेकिन y में कहीं नहीं जाना है, यानी कहां पे होगा ये x अक्ष पर स्थित होगा हमारा। कोई दिक्कत है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1.2 यानी दोनों प्लस में है, भुज भी प्लस है, कोटि भी प्लस है, तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। और है अंतिम -3.-5, ये कहां स्थित होगा, -3.-5, ये हमारा कार्तिकीय तल, इसको कहते थे एक्स वाई प्लेन या कार्तिकीय तल, -3.5 -5 दोनों माइनस है, तो कहां पे चल गया, ये तृतीय चतुर्थांश। कोई दिक्कत है, जिसको भी दिक्कत होगा, हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग इंट्रोडक्शन हर चैप्टर का जरूर देखा करिए, बिना इंट्रोडक्शन के आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, अगर आ भी जाएगा तो ये आप मतलब आप उसको डेप्थ में जाके नहीं समझ सकते हैं। सेकंड देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित करिए। इसको हम लोग को ग्राफ कॉपी में ड्रॉ करना है, बोर्ड पे ग्राफ नहीं होने की वजह से हम ग्राफ तो बनाएंगे लेकिन ये थोड़ा सा इधर उधर होगा पॉइंट वाइज, आप लोग को ऐसे समझ में आ जाएगा, आप लोग इसको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लिए, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये क्षैतिज, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा मूल बिंदु जीरो जिसका निर्देशांक होता है 0.0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मैक्सिमम हमको कहाँ तक जाना है, एक बार देख लेते हैं, 8 तक जाना है, ये थोड़ा और ऊपर कर देते हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम 8 तक जाना है y में, और x में हमको मैक्सिमम जाना है 3 तक,
तो कुछ बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक हो गया, ये हमारा था वाई एच। अब देखिए माइनस में हमको कहाँ तक जाना है, इसमें माइनस वाला भी पार्ट है कुछ, तो इसको डिवीजन नोट कर देते हैं, -1 -2 और इधर भी हो जाएगा ये -3 -4, ये हो गया हमारा -1 -2 -3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक ले कर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल में आलेखित कीजिए। तल मतलब एक्स वाई तल, एक्स वाई प्लेन। अब क्या करना है, इसमें बिंदु दिया हुआ है, देखिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, पहले कॉलम बना के -2 और 8, -2, 8 कहां पे हो जाएगा, यानी एक्स में पहले चलना है -2 फिर -8, यानी वाई में जाना है 8। तो ये बिंदु हमारा हो गया यहाँ पे -2, 8, ये बिंदु हो गया। सेकेंड दिया है -1, 7, तो -1 चलिए एक्स में फिर वाई में 7, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, ये हो गया हमारा -1, 7। फिर दिया है 0, -1.25, तो 0, -1.25, तो 0 यानी x में कहीं नहीं जाना है, y में चलना है -1.25, यानी इसका फोर्थ भाग करेंगे 1 2 3 फोर भाग, तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0, -1.25, ये पॉइंट। चलिए अगला दिया है 1, 3, 1/3 उसमें मतलब लिखा हुआ है x और नीचे कॉलम करके, तो 1, 3, ये हो गया हमारा 1, x में पहले चलते हैं, y में ये हो गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 1, 3। अब एक लास्ट बचा हुआ है 3, -1, यानी x में पहले 3 फिर y में -1, तो ये हो गया हमारा 3 और ये y में चल दिए -1, तो ये हो गया हमारा 3, -1। हमको उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और सारा समझ में भी आ गया होगा, और आप लोग इसके लिए लाइक कमेंट और शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, और हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें और हम आपके लिए क्या और बेहतर कर सकते हैं, उसको हम अगली बार सुधार करेंगे। अगर कहीं साउंड प्रॉब्लम हो, लाइट प्रॉब्लम हो, या कुछ लिखावट में दिक्कत हो, फॉन्ट साइज में, तो उसको आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।